बाहु एक्सप्रेस आप लोग देख रहे हैं, मैं हूं अमजद खान। श्रीनगर से फिर से एक बार मैं स्पेशल रिपोर्ट का एक और स्पेशल सेगमेंट लेकर आपके सामने दोबारा से हाजिर हूं। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी की जब भी हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में एक अहम मुद्दा है जिसको सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा कंसर्नली देखा जाता है, और वो है मिलिटेंसी आउटब्रेक जम्मू कश्मीर के अंदर। पिछले 1.5 महीने में हमने देखा है किस तरह से कंटिन्यूसली एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस जो हैं वो जारी है। लगातार दिन में 2 एनकाउंटर्स कहीं ना कहीं हुआ करते हैं, और अब दिन में 2 एनकाउंटर्स तो नहीं लेकिन हर दिन 1 एनकाउंटर जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को ज़रूर मिलता है। बात करें कल के एनकाउंटर की, 3 हुआ जिसमें एक टॉप मिलिटेंट कमांडर और एक टॉप आईडी एक्सपर्ट भी जो थे वलीद भाई, उनके मारे जाने की खबर आई। और उसके बाद आज सुबह फिर से एक बार साउथ कश्मीर के शोपियान में एक और एनकाउंटर हुआ जिसमें 4 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर है। जिस तरह से हमने सिंह जी और विजय कुमार जी साथ में कहते नजर आए हैं हमेशा से ही कि जम्मू कश्मीर के अंदर से एकमात्र टारगेट अभी है और वो है कि मिलिटेंसी को ख़त्म करना है, और उसी के पहल में चलते हुए हर रोज़ एक एनकाउंटर कहीं साउथ कश्मीर में कहीं नॉर्थ कश्मीर में नजर आता है। पिछले 2 दिन में हमने देखे हैं कि 2 बड़े एनकाउंटर्स हुए हैं साउथ कश्मीर के अंदर। कल कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में हुआ जिसमें 3 मिलिटेंट्स मारे गए, और आज साउथ कश्मीर के शोपियान डिस्ट्रिक्ट में हुआ जिसमें 4 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर है। अगर वहीं हम लोग कुछ अन्य डिफेंस रिलेटेड बातें करें तो हम आपको ये बताएं कि आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख के अपने दूसरे दिन के विजिट में श्री अमरनाथ जी या जो श्राइन है, केव है, वहाँ पर एक विजिट करके आए हैं। अगर हम बात करें उनके विजिट के बेसिक मकसद की, तो विजिट का जो बेसिक मकसद है वो जम्मू कश्मीर के जो एक्सट्रीम एक हिस्सा आता है, यूनियन टेरिटरी है लद्दाख की, लद्दाख चाइना बॉर्डर पर जो एक बड़ा ही रिफ्ट अभी तनाव अभी बना हुआ है उसको देखने के लिए, वहाँ पर स्ट्रेटेजीज को मॉनिटर करने के लिए जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में जो रक्षा मंत्री हैं वो आए हुए हैं। और अब देखना यह है कि जिस तरह से डी एस्केलेशन प्रोसेस पर कंटिन्यूसली बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हाई अलर्ट पर इंडियन आर्मी रखी गई है, जिस तरह से जो वॉर टैंक्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल्स हैं या एयरक्राफ्ट हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, चाहे उसमें फाइटर हेलीकॉप्टर्स आए, चाहे उसमें अटैक हेलीकॉप्टर्स आए, चाहे उसमें फाइटर जेट्स आए, या फिर ओवर 60,000 जो आर्मी ट्रूपर्स की डिप्लॉयेशन है वहाँ पर, उसको नज़र में रखते हुए कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो अभी भी तनावपूर्ण नज़र आती है। वहीं अगर हम आगे बढ़ें, ये बैरिकेड्स आप हमारे सामने देख रहे हैं, बैरिकेड्स के पीछे से आज इस सेशन को शुरू करने का एक मकसद है, और मकसद ये है कि लॉकडाउन हम आपको समझाएं। ये बैरिकेड्स आप कहीं पर भी, तो उसका मतलब ये है कि आपको इन बैरिकेड्स को क्रॉस नहीं करना। फिलहाल एक फ्लाईओवर पर लगा हुआ है ये बैरिकेड, यहाँ पर वन साइड रोड पर लगा है, इसका मतलब ये है कि आप सामने से ट्रेवल करके इस तरफ नहीं आ सकते। लेकिन अगर हम ऐसे ही कुछ बैरिकेड्स की बात करें जो जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग हिस्सों में इंप्लीमेंटेड है, तो वहाँ पर इनका मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में श्रीनगर के अंदर लॉकडाउन जब इम्पोज हो तो लोग इस बैरिकेड को क्रॉस करके घरों से बाहर ना आए, लोग इस बैरिकेड को क्रॉस करके अपने रेजिडेंशियल एरिया से बाहर ना आए। लेकिन जो कुछ देखने को मिलता है वो तस्वीरें कुछ अलग है। जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में हर रोज़ लॉकडाउन की वायलेशन नज़र आती है, हर रोज़ टेस्टिंग डिलेज नज़र आते हैं, जिसके चलते नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। कल भी हमने लगभग 150 के आसपास केसेस श्रीनगर के अंदर देखे, उसके पहले भी हमने लगभग 250 के आसपास केसेस श्रीनगर में देखे, और आज के दिन के जो केसेस के रिजल्ट है उनका इंतज़ार है। अब देखना यह है कि आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों को कब समझ आएगा कि लॉकडाउन का मतलब क्या है। अगर हम लोग ग्लोबली आज बात करें तो हिंदुस्तान के हम लोग सबसे पहले आपको अपडेट बताना चाहेंगे, जिस तरह से हमने कल भी देखा था कि लगभग 32,000 का एक मार्क पार हुआ, और आज के दिन में जो सिंगल डे स्पाइक अब तक का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा है, उसमें 34,880 केसेस पॉजिटिव आ जाए हैं और लगभग 671 डेथ्स पिछले 24 घंटे में इंडिया के अंदर हुए हैं। अभी के हम लोग पॉजिटिव टेस्ट का स्टैंड है 10,38,000 है, जिनमें से लगभग 3,50,000 से ज़्यादा 3,58,000 केसेज अभी एक्टिव पॉजिटिव है, और उसके चलते 6,53,000 केसेस जो हैं वो क्योर हो चुके हैं और डिस्चार्ज हो चुके हैं या अपने अपने शहरों में या अपने अपने कंट्रीज में वापस माइग्रेट हो चुके हैं। लगभग 26,270 के आसपास डेथ्स हुई है, ये वो रिपोर्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इशू किया है। अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में जहां आज भी कोविड 19 को लेकर एक डेथ हो चुकी है और डेथ्स का जो आंकड़ा है वो लगभग 230 के पार हो चुका है, अब कैसे जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन लॉकडाउन को इम्पोज करेगी, कैसे जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन कोविड 19 को रोकेगी और किस तरह से लोग अपना हाथ बटाएंगे कोविड 19 के इस जो एक स्पाइक है केसेस का उसको रोकने में। और भी अन्य खबरें लेकर आप तक जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल मुझे अमजद खान को, बाहु एक्सप्रेस की पूरी टीम को श्रीनगर से दीजिए इजाजत। बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, द वॉइस ऑफ जम्मू।